दोस्तों बात करें तो आज के समय में हर एक मोबाइल फोन कंपनी अपने मोबाइल फोन प्रोसेसर के बारे में बात करती है कि हमारे फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है, 7+ Gen 3 है या फिर 8 Gen 3 देखने को मिलता है। और ये कहानी आज से नहीं है, ये कहानी बहुत सालों से चल रही है और ये कहानी खत्म भी नहीं होने वाली। जब यहाँ पे 8 Gen 4 आएगा, 7+ Gen 4 आएगा, अगले साल ये सिमिलर चीजें चलती रहेंगी। तो क्या इसका मतलब ये कि मोबाइल फोन के अंदर एक प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? वेल, आज से अगर कुछ साल पहले बात करते तो ये बात सच भी हो सकती थी, लेकिन आज के समय में ये बातें इतनी ज्यादा भी नहीं रहती। चलिए वीडियो के अंदर यही बात करते हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहूंगा कि मोबाइल फोन के प्रोसेसर करते समय आप लोगों ने 1-2-2 स्कोर के बारे में तो सुना होगा। हालांकि कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट बता देता हूँ, 1-2-2 स्कोर आज के समय में गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिलता भी नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि 1-2-2 स्कोर आपको सिर्फ एक नंबर यहाँ पर देता है जिससे क्या आप प्रोसेसर को कंपेयर कर सकते हैं। ये नंबर देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या रियल वर्ल्ड में क्या प्रोसेसर को कंपेयर कर सकता है? वेल, काफी सारी ऐसी चीजें जहाँ पे बेंचमार्किंग यहाँ पे काम नहीं करती, क्योंकि मोबाइल फोन के प्रोसेसर के अंदर सिर्फ सीपीयू के कोर से या फिर जीपीयू ही नहीं होता, यानी कि उसे सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं देनी, उसे पूरे मोबाइल फोन का यहाँ पे काम करना है। जिसका मतलब ये कि यहाँ पे उसे बैटरी कैसे मैनेज करनी है वो आप पता नहीं लगा सकते, थर्मल मैनेजमेंट कैसा है ये भी पता नहीं लगा सकते। और आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा ना कि काफी लंबे समय पहले यहाँ पे काफी सारी कंपनीज ने मोबाइल फोन की बेंचमार्किंग के अंदर भी तो चीटिंग करी थी, जिसके अंदर जब कंपनी ये देखती है कि यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर एक बेंचमार्क रन हो रहा है तो अपने आपको ज्यादा स्पीड पे चलाएगा, जिस कारण से स्कोर ज्यादा से ज्यादा आएगा। यार ये हरकत यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने करी है। और बाय द वे, यहाँ पे आप मोबाइल फोन प्रोसेसर से आप ये भी पता नहीं लगा ना सकते कि यहाँ पे इमेज सिग्नल प्रोसेसर कैसा है, यहाँ पे मोबाइल फोन के कैमरा से कैप्चर करते हैं, या फिर 5G मॉडेम के बारे में आप पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली में जो 5G मॉडेम यहाँ पर है कि उसकी स्पीड कैसी रहेगी, वो कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट करेगा। ऐसी काफी सारी चीजें रहती है। इवन AI के लिए भी बेंचमार्क यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस यहाँ पे ढंग से नहीं बता सकते, क्योंकि अभी भी AI के अंदर यहाँ पे और भी ज्यादा काम हो रहा है। चलिए एक और कर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि मोबाइल फोन लेते समय ना लेटेस्ट प्रोसेसर होना तो आप मैंडेटरी रखिए, क्योंकि वो चीज तो चलो जरूरी है, लेकिन मोबाइल फोन प्रोसेसर के साथ साथ आप ये देखिए कि मोबाइल फोन जो है क्या उसके अंदर आपको डिस्प्ले कैसा मिल रहा है, डिस्प्ले वगैरह की क्वालिटी कैसी है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कैमरा कैसा देखने को मिल रहा है, इवन काफी सारे मोबाइल फोन्स के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, ये चीज भी उसका प्रोसेसर ही डिसाइड करता है। यस, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग रहता है उसके साथ साथ आप वीडियो क्वालिटी का जो आउटपुट होता है वो भी, और जो इमेजेस होती है वो भी, यानी कि कैमरा को अगर अच्छा करना है ना तो इसका अच्छा सेंसर होना यहाँ पे जरूरी है, ऑब्वियसली ऑप्टिक्स उसके अच्छे होने जरूरी है, इसके साथ ही ISP और इसके साथ ही इन सबको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर, इन सब के साथ ही आपको एक अच्छा कैमरा का एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसी के साथ ही प्रोसेसर के अंदर यहाँ पे बैटरी कैसी रहती है उसका भी यहाँ पे फर्क पड़ता है। हालांकि ये जो चीजें रहती है ये आपको नए जितने भी प्रोसेसर आते हैं, जितने भी अच्छे प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। और यहीं पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के समय में मोबाइल फोन के प्रोसेसर इतने ज्यादा बेटर हो गए कि यहाँ पे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते कि सस्ते प्रोसेसर महंगे प्रोसेसर या जो पुराना है और जो नया है उसके बीच में आखिर कितना डिफरेंस है, क्योंकि डे टू डे टास्क अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा। आप भले ही कितने बड़े पावर यूजर क्यों ना हो तब भी आपको फर्क नहीं पता पड़ेगा कि यहाँ पे जो मोबाइल फोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस मिल रही है वो कैसी मिल रही है, क्योंकि लिटरली एक जो पिनहेकल पॉइंट होता है ना मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस का, वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब 1-2-2 स्कोर 1 मिलियन हो चाहे 2 मिलियन भी पहुंच जाए, फिर भी देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस रहेगी वो आपको वैसी देखने को मिलेगी, आपको मोबाइल फोन चलाने के अंदर उसके एक्सपीरियंस के अंदर इसका फर्क पता नहीं चलेगा। हालांकि एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रोसेसर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और वो होती है गेमिंग। अगर आप कोई हाई एंड गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर रे ट्रेसिंग है, ग्राफिक्स वगैरह है, डेफिनेटली वहां पे प्रोसेसर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रोसेसर बहुत काम करेगा, सीपीयू काम करेगा, जीपीयू की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, और वहां पे आप क्लियरली देख पाएंगे जो नए लेटेस्ट फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर है वो यहाँ पे अच्छा काम यहाँ पे करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक काफी सॉलिड चीज है जो यहाँ पे मोबाइल फोन के प्रोसेसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही बात की जाए तो कंपनियां हर साल अपने नए प्रोसेसर निकालती रहती है, तो सवाल आता है कि क्यों ना हम एक साल पुराना फोन ले लें जिसके अंदर पुराना प्रोसेसर है, ये सब करके तुम और ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। वेल, आपकी बात यहाँ पे सही है, ये चीज आप यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन एक बात बता सकता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जितने भी नए प्रोसेसर होते हैं ना हमेशा आप उसी के ऊपर थोड़ा मूव ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नए प्रोसेसर के साथ जब हम जाएंगे ना तो उसको सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
क्योंकि एक सिंपल सा रीजन बताता हूँ, चाहे क्वालकॉम ले ले चाहे मीडियाटेक ले ले, दोनों ही जो कंपनीज है पता हूँ क्या करती है, कि यहाँ पे एक प्रोसेसर निकालती है, उसके बाद हर एंड्रॉयड वर्जन के लिए ड्राइवर्स को रिलीज करती है, जिस कारण से आमतौर पर कोई कंपनी 3 साल या 4 साल तक निकालती है ड्राइवर्स को। अगर मान लो अगर आपने 2 साल पुराना प्रोसेसर ले लिया, तो उसको 2 मेजर एंड्रॉयड वर्जन के जो ड्राइवर्स होंगे उसका अपडेट ये लोग दे चुके होंगे, यानी कि वो सिर्फ 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स ले पाएगा। और एंड्रॉयड अपडेट एक ऐसी चीज़ है जिसको जो सपोर्ट रहता है ना, वो आपको नए जो प्रोसेसर आते हैं मार्केट के अंदर उसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से एक लेवल का जो एडवांटेज होता है वो वहां पर होता है। ये चीज आप कह नहीं सकते जो आपको देखने को मिल सकती है पुराने प्रोसेसर के साथ। तो यार ये एक चीज है। इसके साथ ही मोबाइल फोन का जो प्रोसेसर होता है वो मैं कहूंगा कि हाँ यार, बजट के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो अभी भी काफी तेज से इम्प्रूव हो रहा है, उनके अंदर अभी भी और काम होना बाकी है, लेकिन वहां पर भी मैंने कॉस्ट कटिंग देखी। भले ही परफॉर्मेंस के नंबर यहाँ पर कैसे भी हो, लेकिन वहां पर कॉस्ट कटिंग काफी ज्यादा कर दी जाती है, जिस कारण से यहाँ पर देखा जाए तो ISPs थोड़ी वीक हो जाते हैं, या फिर आपका जो 5G मोडेम्स होते हैं वहां पर थोड़ी वीकनेस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी दूसरे टाइप की कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है, जिस कारण से बजट फोन बनाया जा सके। तो ऑल कहने का मतलब यह कि प्रोसेसर सब कुछ है मोबाइल फोन के अंदर, यार ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर के अलावा और भी ढेर सारी चीजें जो मोबाइल फोन को एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर देती हैं, और हमेशा जो बेंचमार्किंग होती है वो प्रोसेसर के लिए एक सही चीज नहीं होती। लेकिन क्या प्रोसेसर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? बिल्कुल है। अगर एक नया प्रोसेसर है वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ नंबर्स देख के या फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस देख के एक मोबाइल फोन मत लीजिए। आप एक मोबाइल फोन लीजिए कि उसके अंदर ऑलराउंडर एक्सपीरियंस कैसा है, आपको डिस्प्ले कैसा है, कैमरा कैसा है, सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस क्या है, और उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या है, बैटरी कैसी दे रही है, क्या वो गर्म होता है, क्या ओवरऑल उसको लॉन्ग टर्म तक जब यूज करेंगे तो आपका कितना अच्छा यहाँ पे साथ दे देगा। ऐसे काफी सारे सवाल होते हैं जो अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदते समय अगर इनके ऊपर ध्यान देंगे तो एक बेटर चीज है बजाय की प्रोसेसर का। अक्सर हम लोग की आदत होती है कि हम लोग यहाँ पर प्रोसेसर के साथ मोबाइल फोन की कीमत को जज करते हैं, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे एक मोबाइल फोन जो रहता है ना वो प्रोसेसर के अलावा बहुत सारी चीजों के साथ आता है, और काफी सारी कंपनी सारा का सारा फोकस कई बार प्रोसेसर पे जब कर देती है तो दूसरी जगह बहुत कॉस्ट कटिंग कर देती है, जिस कारण से हमें दूसरे फोन काफी महंगे यहाँ पे लगते हैं। लेकिन एक बात यह कि एक अच्छे मोबाइल फोन के अंदर सारी चीजों का जब बैलेंस होता है ना, तब उसकी कीमत भी थोड़ी उस हिसाब से रहती है। तो यार ये भी एक चीज है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि सिर्फ प्रोसेसर देख के, सिर्फ प्रोसेसर कौन सा मोबाइल फोन में ये देख के मोबाइल फोन मत लीजिए, आप ओवरऑल पूरा पैकेज देखिए और ये डिसाइड कीजिए कि वो मोबाइल फोन है क्या वो आपकी सच में जरूरत को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो के थ्रू मैं देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंदर जो मैं मैसेज देना चाहता था आपको समझ में आया होगा। पसंद आई इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।